इंदौर के आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन बिगड़ने के मामले में जहां इंदौर कलेक्टर ने जांच समिति की रिपोर्ट के बाद एक्शन की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर एक सुखद खबर है कि 8 मरीजों के सफल ऑपरेशन के बाद उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई है। देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल मोतियाबिंद के ऑपरेशन बिगड़ने के मामले में कुल 11 मरीजों में से 3 को चेन्नई रेफर किया है, जबकि इंदौर में हुए 8 मरीजों के ऑपरेशन सफल हो गए, जिसमें उनकी 70% आंखों की रोशनी वापस आ गई है। पहली चीज, उनकी आंख बच गई है। जब मैं हमेशा बताता तो पहले भी बोला है कि इस कंडीशन में पहला रहता है कि 3 एम रहता है। पहला एम रहता है जान बचाना, आंख बचाना, और लास्ट आता है कि कुछ विजन आ जाए। गुड थिंग कि 2 चीज़ सबकी हो गई है, आँख, जान सबकी बच गई है, आँख भी इनकी सबकी बच गई है। ऐसा नहीं है कि आँख निकालनी पड़ रही है। विजन अच्छी बात यह है कि जितने भी ये थे, इन सबकी दूसरी आँख का विजन नॉर्मल है। तो इस आँख में यदि इनका विजन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी होगा, नॉर्मल तो नहीं आएगा, बट कुछ यदि आधा एक मीटर बना भी, अफेक्टिवली वो दूसरी आँख से ही देखेंगे, तो उनका रोजमर्रा का काम होगा। जो एक पेशेंट जिसका एक ही आँख था, दूसरी आंख उनकी ब्लाइंड थी, वो अब चलने फिरने गई, उनको तो विजन नॉर्मल आ गया। आज तो मैं उनको छुट्टी का बोल रहा था, बट माँ जी कह रही थी मुझे 1-2 दिन और रुकना है। मैंने कहा रुकिए आप इधर। बट जिसका हमें डर था, यही एक पेशेंट था जो हमारी पूरी थी कि इसको विजन, क्योंकि यदि वो आंख भी चले जाए। वहीं आई अस्पताल में 11 मरीजों की आंखों की रोशनी छिन जाने के मामले में बनाई गई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंप दी है, जिसमें हॉस्पिटल एवं डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है। वहीं कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने दोषियों पर एक्शन लेने की बात कही है। 3 सदस्यीय कमेटी ने मुझे चापर बिंदु पर रिपोर्ट सौंपी है, उसमें जो अस्पताल प्रबंधन है, डॉक्टर्स है, उनकी लापरवाही परिलक्षित हुई है। हमारे जो शासकीय टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, इस कार्यक्रम के जो मैनेजर थे, जो नए सहायक थे, उनकी मॉनिटरिंग की लापरवाही परिलक्षित हुई है। उन दोनों ही बिंदुओं को जानने हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग अंतिम रिपोर्ट शासन को भेज रहे हैं, उसके बाद में बता पाऊंगा। उनके अगेंस्ट में हमने और स्ट्रिक्ट कार्रवाई करने का प्रस्ताव शासन को भेज रहे हैं। अभी रिपोर्ट पूरी मेरे पास आ गई है, मैं प्रस्ताव पर भी शासन को तैयार कर रहा हूं। कुल मिलाकर इस मामले में जिला प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ एक्शन के आदेश दे दिए हैं, तो वहीं 8 लोगों की रोशनी फिर से लौट आई है, जो कि एक सुखद खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।